सो so गाइज आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वाई यू शूड नॉट बी सेलिंग वीकली ऑप्शन वीकली ऑप्शन ना सेल करने के हम फाइव या सिक्स पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिसको आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए एंड यू शुड थिंक अबाउट सेलिंग वीकली ऑप्शन और नॉट एंड बिना कुछ देरी के हम वीडियो शुरू कर दें सो गाइज सिंपली हमारा फर्स्ट पॉइंट है लो प्रीमियम्स सो आपने ये देखा होगा गाइज कि वीकली ऑप्शन में डेफिनेटली लोअर प्रीमियम्स है एज कम्पेयर टू मंथली ऑप्शन सिंपली बिकॉज एक्सपायरी जो है वो थर्सडे को होती है एवरी थर्सडे को होती है वीकली एक्सपायरी की वैराइज मंथली में काफ़ी टाइम होता है मंथ एंड में एक्सपायरी होती है इसलिए जितना ज़्यादा टाइम उतने ज़्यादा प्रीमियम्स भी आपको मिलेंगे राइट तो लो प्रीमियम्स की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो लेट्स से आपको डिस्टेंस काफ़ी कम मिलेगा यानी जो आपको फिफ्टी रुपीज़ का ऑप्शन लेट्स थ्री थाउजेंड पॉइंट दूर मिल जाता है बैंक निफ्टी की बात करें अगर और मंथली ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो आपको वीकली ऑप्शन में लेट्स से आपको सिर्फ थाउजेंड पॉइंट दूर मिलेगा तो उतना आप एक्सपोज हो जाते हो रिस्क पे तो एनी बिग गैप डाउन आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा एंड वो फिफ्टी रुपीज़ का ऑप्शन आसानी से थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड भी ओपन हो सकता है लेट्स से एक बड़ा सा गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी में स्पेशली अगर अभी की सिनेरियो की बात करें तो कभी भी मार्केट इज़ गोइंग अप सडनली कोई पता नहीं क्या होता है एंड एक थ्री परसेंट डाउन हो जाता है आपने ये देखा होगा ये काफ़ी कॉमन अकरेंस हो गया अभी रैंडमली मार्केट्स आर गोइंग अप एंड देन बिग गैप डाउन हो रहा है दो परसेंट का और एंड हाफ परसेंट का एंड प्रीमियम्स आर स्पाइकिंग अलॉट इसलिए लो प्रीमियम्स आर वेरी बैड फॉर ऑप्शन सेलर्स स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए तो ठीक है बिकॉज रिस्क आपका लिमिटेड है बट ऑप्शन सेलिंग की बात करें सो so आपका रिस्क लिमिटेड नहीं है अनलिमिटेड है स्पेशली अगर आप हेज नहीं हो तो अगर आप हेजड हो देन नो वरीज योर रिस्क इज ऑलवेज डिफाइंड सो यू नीड नॉट वरी बट अगर आप नेकेड प्लेयर हो जैसे मोस्टली ऑप्शन सेलर्स होते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होती है ये चीज हमारा सेकेंड पॉइंट है कि देर आर यूज स्पाइक्स इन वीकली ऑप्शन आपने ये देखा होगा गाइस की रैंडमली लेट से एक फाइव मिनट का बड़ा दो तीन कैंडल्स आते हैं फिफ्टीन मिनट्स में एक माइनर सी बट बड़ी ट्रेंड आ जाएगी लेट्स निफ्टी सडनली हंड्रेड पॉइंट गिर जाता है पंद्रह मिनट में उट ऑप्शन प्राइसेस बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाते हैं वीकली ऑप्शन के स्पेशली सिंपली बिकॉज एक पैनिक आ जाता है मार्केट में एंड बहुत तेजी से वीकली ऑप्शन स्पाइक हो जाते हैं इनफैक्ट मैं तो यह भी बोलूंगा कि डबल भी हो सकते हैं इन अ मैटर ऑफ लेट्स टेन टू फिफ्टीन मिनट्स जो बहुत डेडली है और दिस कैन बी अ वेरी प्रॉब्लमिक सिचुएशन स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो ऑप्शन बाइंग अगेन गाइज आपका रिस्क इज डिफाइंड मैक्स टू मैक्स ऑप्शन जीरो जा सकता है बट अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो लेट से आपने हंड्रेड में ऑप्शन सेल किया तो ऑप्शन ईजीली थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड भी जा सकता है एंड स्पेशली अगर आप स्क्रीन पर नहीं होते हो लेसे आपका एक जॉब है या कुछ आप एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो साइड में एंड योर फोकस इज ओवर देर और आपने एक इंट्रा डे ट्रेड लिया या कोई भी पोजिशनल भी लिया एंड यू जस्ट वेंट ऑफ स्क्रीन फॉर लाइक ट्वेंटी मिनट्स या ट्वेंटी फाइव मिनट्स आके आप देखते हो कि एक बड़ा सा कुछ बैड न्यूज़ आया और इतना ज़्यादा स्पाइक हो गया तो इट कैन डेफिनेटली हर्ट योर अकाउंट अलॉट एंड देर फॉर इंट्रा डे ट्रेड में स्पेशली गाइज आपको हमेशा स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है और अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं हो तो एटलीस्ट आपके ऑर्डर्स सिस्टम में रहने चाहिए कभी भी अगर आप ऑफ स्क्रीन जाते हो इवन फॉर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स योर ऑर्डर्स शुड ऑलवेज बी इन सिस्टम बिकॉज यू नेवर नो कि बड़ा मूव कभी आने वाला है हमारा थर्ड पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड इज लेसर सो गरीज आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था लो प्रीमियम का दैट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इन टू रिस्क रिवॉर्ड भी मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना कम प्रीमियम होगा उतना आपका रिवॉर्ड भी कम होगा इसलिए आपका रिस्क उतना ही बढ़ जाता है सिंपली बिकॉज ऑप्शन सेलिंग हैज़ अनलिमिटेड रिस्क स्पेशली इफ यू आर नॉट हेज्ड तो आपको रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी कम मिलेगा इन वीकली ऑप्शन स्पेशली प्रीमियम बहुत कम होते हैं एंड जैसे मैंने बताया इजिली ऑप्शन डबल या ट्रिपल हो जाते हैं तो जनरली ऑप्शन सेलर्स हैव टू सिट दैट स्पाइक आउट वो जो फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स का बड़ा सा माइनर ट्रेंड होता है यू हैव टू सिट दैट आउट अगर आप लेट्स से आप वीकली स्ट्राइंगल करते हो आप स्ट्राइंगल प्लेयर हो आपको स्ट्राइंगली पसंद है जो मुझे पसंद है मैं अगर मेरी बात करूँ तो बट मैं वीकली ऑप्शन इसलिए कभी कभार प्रीफर नहीं करता बिकॉज लेट्स मैंने स्ट्राइंगल किया है कंबाइंड प्रीमियम मैंने हंड्रेड रुपीज़ कलेक्ट किया है ऑन बैंक निफ्टी फिफ्टी रुपीज़ का मैंने कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है एंड फिफ्टी रुपीज़ का पुट ऑप्शन शॉर्ट किया है तो कभी कभार क्या होता है गाइस एक बड़ा सा स्पाइक आता है और वो टोटल स्ट्राइंगल का प्रीमियम हो जाता है लेट्स से टू फिफ्टी या थ्री हंड्रेड तो मैंने जो हंड्रेड रुपीज़ कलेक्ट किया था उसके सामने मैं थ्री हंड्रेड दे रहा हूँ मार्केट को विच इज़ नॉट गुड राइट मैंने हंड्रेड रुपीज़ मेरा मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल है बट थ्री हंड्रेड रुपीज का मुझे स्ट्राइंगल का वैल्यू हो गया सो so, मेको टू हंड्रेड पॉइंट का लॉस दिख रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट ऑलवेज फेवरेबल इन वीकली ऑप्शन और लेट्स आप अगर आप डायरेक्शनल व्यू लेके ऑप्शन सेल करते हो देन यू कैन से येस की वीकली ऑप्शन में आप रिस्क रिवॉर्ड कर सकते हो अच्छे से वॉट आई मीन इज लेट्स आपने हंड्रेड रुपीज में ऑप्शन सेल किया एंड वन फिफ्टी पे आपका एसल है एंड योर टारगेटेट इज जीरो देन योर रिस्क रिवार्ड इज फेवरेबल और आपको वन इज टू टू का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है बट सच सिनारी रेयर और अगर आप नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हो जैसे मैंने बताया आप एक स्ट्रैडल करते हो या स्ट्रैंगल करते हो देन रिस्क रिवॉर्ड इज जनरली नॉट फेवरेबल फॉर यू हमारा फोर्थ पॉइंट है इज गामा इफेक्ट सो so आपने ये देखा होगा कि जैसे एक्सपायरी बाजू में आती जाती है जो हमारा थीटा है थीटा इज बेसिकली टाइम वैल्यू और जैसे एक्सपायरी डे बाजू में आते जाता है ऑप्शन के प्राइसेस घटते जाते हैं एंड गामा का इफेक्ट बढ़ते जाता है तो ऑप्शन के प्राइसेस जितना एक्सपायरी बाजू में आते जाएगा उतना ही जल्दी मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कभी कभी स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज बहुत लोग ये चीज़ करते हैं हीरो या जीरो मैंने पिछले वीडियोस में भी ये बताया था दिस इज़ बेसिकली अगर आप लेट्स से फाइव रुपीज़ या टेन रुपीज़ का ऑप्शन बाय कर लेते हो ऑन बोथ साइड्स एन आर्टिसपेशन ऑफ अ बिग ट्रेंड सो लोगों का एजम्पन क्या होता है गाइज आपने ये नोटिस किया होगा कि हमेशा ऑन एक्सपायरी डे हमेशा तो नहीं बट काफ़ी टाइम्स वन या टू ओ के बाद एक बड़ा मूव कोई ना कोई साइड आता है भले वो वी शेप मूव भी हो बड़ा सा डाउन मूव आएगा देन एक रिकवरी डेफिनेटली आ जाएगी बट येस yes, वो बड़ा डाउन मूव ज़रूर आता है कोई ना कोई डायरेक्शन में मोस्टली ये चीज़ होती है तो लोग क्या करते हैं लेट से आपने बहुत दूर का फाइव फाइव रुपीज़ का स्ट्राइंगल खरीद लिया नॉट सेल बट बाय तो गामा इफेक्ट की वजह से वो फाइव रुपीज़ का इजीली फिफ्टीन ट्वेंटी रुपीज़ बहुत क्विकली हो जाता है दिस इज़ नथिंग बट गामा इफेक्ट ऑप्शन के प्राइसेस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं सो दिस इज वेरी बैड बिकॉज अगर आप ऑप्शन सेल करके रखे हो लेट्स से आपने सिक्सटी रुपीज़ में भी ऑप्शन सेल किया है और वो अभी फाइव रुपीज़ हो गया एंड यू आर वेटिंग फॉर इट टू गो टू जीरो इट कैन इमीडिएटली क्लाइम बैक अप इन नो टाइम और आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपके कॉस्ट पर आके मे बी लॉस में भी आ सकता है अगर एक बड़ा ट्रेंड आ गया तो सो so गाइज हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि वी के नॉट एडजस्ट प्रॉपरली तो आपने ये भी नोटिस किया होगा जैसे मैंने बताया गाइस फर्स्ट पॉइंट में कि हमारे प्रीमियम्स काफी कम है और प्रीमियम्स ही इतने नहीं होते सपोर्ट करने को एडजस्टमेंट को तो आपको स्पॉट प्राइसेस के और क्लोजर आना पड़ता है सो दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज बिकॉज योर ऑप्शन कैन बिकम इन द मनी वेरी फास्ट जितना आप क्लोजर आते जाओगे उतना हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि ऑप्शन इन द मनी हो जाए सो so, गाइस हमारा सिक्स पॉइंट है कि इट रिक्वायर्स हायर मार्जिन तो स्पेशली गाइज़ अभी इंट्रा डे में ऑलमोस्ट नो लेवरेज है सिर्फ टू एक्स है एंड इवेंचुअली फ्रॉम सेप्टेम्बर हमको जीरो लेवरेज मिलने वाला है सो गाइज दिस इज़ वेरी बैड फॉर ऑप्शन सेलर्स क्योंकि ऑलरेडी हमारा मार्जिन काफ़ी हाई था एज ऑप्शन सेलर्स एंड अभी और भी बढ़ जाएगा सिंपली बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी मार्जिन स्पेशली फॉर इंट्रा डे सो एज इंट्रा डे ट्रेडर्स आपको या तो हैच खरीदना पड़ेगा या तो आपका लॉट साइज कम करना पड़ेगा जितना आप ओरिजिनली ट्रेड करते हो उसका हाफ़ या मे बी वन फोर्थ करना पड़ेगा अगर आप फुल यूटिलाइज करते थे इन फोर एक्स लेवरेज तो आपको वन एक्स ही मिलने वाला है अभी और हायर मार्जिन आर ऑल्सो अ प्रॉब्लम गाइस तो वीकली ऑप्शन में डेफिनेटली ज़्यादा मार्जिन लगता है सिंपली बिकॉज डिस्टेंस हमारा जनरली कम होगा थाउजेंड पॉइंट्स का ऑप्शन आप अगर सेल करते हो वैर आइज थ्री थाउजेंड पॉइंट्स दूर का आप ऑप्शन सेल करते हो तो डेफिनेटली थ्री थाउजेंड पॉइंट्स अवे में आपको थोड़ा सा कम मार्जिन लगेगा वेर एज थाउजेंड पॉइंट्स में आपको ज़्यादा मार्जिन लगेगा एंड थ्री थाउजेंड पॉइंट्स दूर अगर आपको जाना है तो यू हैव टू चूज मंथली ऑप्शन क्योंकि वीकली ऑप्शन में आपको इतना प्रीमियम ही नहीं मिलेगा कि आप इतना दूर का ट्रेड कर पाओ सो आई होप दिस वीडियो हेल्प गाइज मेक शोर टू लाइक द वीडियो ये चैनल को काफ़ी हेल्प करता है एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में बाय